बकवास बंद करो अपनी, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी। अच्छा तो तुम्हें अब मेरी बातें बकवास लग रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे पता है क्या काम कैसे करना और किस तरीके से करना है। तुम मुझे मत सिखाओ, ठीक है? हाँ, तुम तो वैसे बोलोगे ही, तुम्हारा मतलब जो पूरा हो गया है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है माणिक। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया? हाँ मैंने। हाँ तुमने। मैंने नहीं, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, ठीक है? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। रागिनी, तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसमें तुम्हारा भी फायदा था, ठीक है? तो फालतू का एहसान मेरे पर थोपना बंद कर दो। तुम्हारी और बकवास नहीं सुन सकता मैं, जा रहा हूं। माणिक, माणिक तुम नहीं जा सकते। माणिक, माणिक रुको। आप बिल्कुल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। यस, कम ऑन, वेरी गुड। धीरे, एकदम धीरे। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशंस जिया, अब तुम इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकती हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स मानिक, तुम्हारे बिना तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वो कौन है? अभी तो यही थी, पता नहीं कहां गई। जिया, ये देखो मेरे सामने। कुछ भी नहीं है जिया। नहीं माने, प्लीज मेरा यकीन करो। जिया कुछ भी नहीं है वहां पे, ठीक है? काम डाउन। तुम्हें क्यों नहीं दिख रही? डोंट वरी जिया, कुछ नहीं है, कोई नहीं है वहां। देखो ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। डरो मत मिस्टर मानिक, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिया को आप छोटी से छोटी चीजें दिखाएं और उन्हें बताएं कि वो क्या है, समझे? समझ गया डॉक्टर। ये तुम्हारा घर है। वाओ मानिक, अमेजिंग। मैं इतने सालों से यहां रह रही हूं और आज पहली बार इसे देख पा रही हूं। तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता।
फरिश्ता बनकर आए हो तुम मेरे लिए। बहुत छोटी थी मैं जब मैंने एक्सीडेंट में मेरी आंखों के साथ मेरे आई बाबा को भी खो दिया था, और उनके जाने के बाद मुझे इतना प्यार और हौसला सिर्फ तुमने दिया है माने। जिया याद, जब मैं पहली बार अपनी भूल लेके तुम्हारे पास आया था, तुम्हारी खूबसूरती को देख के मैं तभी तुम्हारा कायल हो गया था। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। कैसे भूल सकती हूँ मैं उस लम्हे को, वो कमाल की धुन, अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। थैंक यू मानिक, तुमने मुझ जैसी अंधी लड़की को अपनाया और शादी के लिए प्रपोज किया, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं पूरी जिंदगी तुम पर बोझ रहूं, और तुम मेरे लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दो। जिया, अब तो तुम्हारी आंखों की रोशनी भी आ गई है, तो अब तुम मेरे प्यार को ठुकराओगी तो नहीं ना? मुझे शादी के लिए मना तो नहीं करोगे? नहीं, कभी नहीं। हेलो, उसने मुझे मारा है, अब मैं उसे मारूं। किसने मार डाला, कौन हूँ? हेलो, किसका फोन था जी? पता नहीं माने, बहुत अजीब सी आवाज थी, कोई कह रहा था कि मार डाला, मार दूंगी, ठीक से सुन नहीं पाई। इट्स ओके जिया, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता रहता है ना, तो क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए ले गया, ठीक है? तब तक घर देखो अपना, तुम्हारा ही है, ठीक है? मेरी बहन रागिनी अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ये लो रिमोट, इसमें हमारे सारे पुराने वीडियोस हैं, इनको देखकर तुम्हारी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। थैंक्स मानिक। अच्छा मैं बाहर हॉल में जा रहा हूँ, कुछ भी चाहिए होगा ना एक बार आवाज कर देना, ओके? चलो एंजॉय। जिया, मैं चाहता हूं कि ये मोमेंट हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाए। एंड दिस इज फॉर यू।
वाव मालिक, अमेजिंग है ये धुन। तुम इस धुन को किसी म्यूजिक कंपनी में बेच क्यों नहीं देते? इट विल बी अ बिग हिट। नहीं जिया, ये धुन तो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है ना। दिस इज नॉट फॉर सेल, ये हमारे प्यार की निशानी है। क्यों रही थी? मैंने बेडरूम में एक लड़की को देखा, अजीब सा चेहरा, डरावना, जैसे वो कोई इंसान ही ना हो। कम जिया, वहां कुछ भी नहीं। ओके, तुम्हारी आंखें ना तुम्हें फिर से धोखा दे रही हैं। याद है ना डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा था? नहीं मानिक, यकीन करो मेरा, वहां जरूर कुछ है। आंखें लग गई है तो दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जो ऐसे पागलों जैसी बातें करती जा रही हो तुम? कैसे अपने बहन से बात कर रही हो, तमीज नहीं है क्या? ये मेरी कजिन है, मेरी सगी बहन नहीं है जो तुम मुझे तमीज सिखा रहे हो। रवि, अरे हो क्या गया तुम्हें? ऐसा अजीब सा क्यों बिहेव कर रही हो? तुम मुझसे दूर रहो मानिक, तुम मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, बस तुम दूर रहो मुझसे। प्लीज तुम लोग मेरी वजह से झगड़ा मत करो। हो सकता है कि वो मेरा बस एक कोई वहम हो। जिस दिन से मेरी आंखें आई हैं तब से वो अजीब चेहरा। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती रागिनी, I'm sorry। ठीक है जी, अब तो रागिनी आ गई तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो मैं चलता हूँ। और रागिनी, जिया का अच्छे से ख्याल रखना, कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। कुछ भी होगा ना मुझे बस एक बार कॉल कर देना। चल किमी आ, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मैं सच कह रही हूं मानिक, वो लड़की का साया, वो लड़की का साया। ये तुम मानिक की बनाई हुई
थी उन्हें। रागिनी मेरा यकीन करो रागिनी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे आसपास ना मुझे एक साया महसूस हो रहा है, वो अजीब सी लड़की का चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है। तुम सच में पागल हो? तुम ना मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत काम है। और ये जो तुम्हारी घोस्ट गर्ल है ना, उसकी कंपनी तुम अकेले एंजॉय करो, एंड प्लीज स्पेयर मी। रागिनी, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन कुछ हुआ था? बताओ मुझे। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि क्या हुआ था या नहीं? तुम होती कौन हो पूछने वाली? ये है तुम्हारी म्यूजिक एकेडमी और ये है वो क्लास जहां पे तुम बैठ के अपने स्टूडेंट्स को म्यूजिक सिखाते हो। जिया, इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? मानिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मानिक, वो साया मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। जिया तुम फिर से शुरू हो गई यार। तुम अपनी म्यूजिक एकेडमी पहली बार आई हो, अपनी आंखों से देख रही हो, कम से कम इस मोमेंट का एंजॉय तो करो, भूल जाओ कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम्हारे स्टूडेंट्स आ गए। ये है नताशा, ये है साहिल और ये है नदीम। नदीम वही है जिसकी गिटार ट्यून तुमको बहुत पसंद है। अच्छा जिया, मैं ना कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करके आता हूँ, तुम अपने स्टूडेंट लोगों के साथ बैठो, ठीक है? आज तुम्हें तुम्हारी ये म्यूजिक एकेडमी ऑफिशियली हैंड ओवर करनी है, ठीक है? आता हूँ, ठीक है? तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? जिस दिन से मेरी आंखें ठीक हुई है, उस दिन से वो लड़की मुझे दिखाई दे रही है, और उसका अजीब सा चेहरा, और उसकी उसकी आंखें नहीं है मानिक, और वो अजीब अजीब से फोन कॉल्स, वो मुझे किसी को मारने के लिए कहती है, वो मुझे किसको मारने के लिए कहती है?
वो मुझे रागिनी को मारने के लिए तो नहीं कहती ना। यकीन करो मेरा मालिक, मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा यकीन करो। चलो घर चलते हैं। बहुत हो गया तुम्हें क्लास में। चलो घर चलें। रागिनी, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन कुछ हुआ था? कहीं ये वही तो नहीं? जी हाँ। कैसा फील कर रही हो? यार बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी तुम। तुम्हारी आंखें बहुत थकी थकी लग रही हैं। अभी अभी देखना स्टार्ट किया है ना, तो सब कुछ नया नया ऐसा लग रहा होगा। मगर डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रागिनी के बर्थडे की रिकॉर्डिंग है ना, 20th June। हाँ? एक महीना पहले की। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, चलने दो, मुझे देखना है। मानिक, रागिनी के बर्थडे के दिन कुछ हुआ था क्या? नहीं, जहां तक मैं जानता हूं ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था जो याद रखा जाए। कुछ भी नहीं। मानिक, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रागिनी भी नहीं है, पता नहीं आएगी भी या नहीं। प्लीज आज यहीं रुक जाओ, मुझे अकेला मत छोड़। जी हाँ, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ओके? हेलो, तुम्हें मुझे मारा है, अब मैं तुझे मारूंगी। हिम्मत है, तू सामने आ, मैं भी देखती हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है।
तुम यहाँ कब आए? I'm sorry. मैंने बेकार में ही तुम्हारा मूड खराब कर दिया. मानिक, I'm really sorry. अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ. तुम चाहो तो अब आप मानिक उठो, लगता है घर पे कोई है. मानिक. हाँ जिया. अरे अकाउंट्स का कुछ काम कर रहा हूं, बोलो. माने ये शायद रागिनी ने किया होगा, उसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद है. जिस दिन से मुझे ये आंखें मिली है ना, उस दिन से ये सब हो रहा है. मेरी इन आंखों की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है. कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है. मैंने उस लड़की को कई बार देखा है. रागिनी का बर्थडे हमेशा मेरी आंखों के सामने आ जाता है. इन सब के पीछे कुछ तो राज है जिसकी तह तक मुझे जाना ही होगा. मानिक, वो लड़की कौन थी जिसने मुझे अपनी आंखें डोनेट की थी? कौन है और वो कहाँ रहती है? तुम्हें तो पता होगा ना. नहीं जिया, मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता. मुझे तो बस डॉक्टर का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि किसी डोनर की आंखें मिल गई और उसकी मौत अभी किसी कार एक्सीडेंट में हो गई थी. मैंने हाँ कह दिया. जिया, मैं तो चाहता था कि तुम दुनिया देखो और कुछ नहीं. तुम्हारी आंखें निकली हुई, तुम्हारी फोटोज, सब बातों का क्या मतलब है? छोड़ इन सब बातों, ठीक है? इन पचड़ों तुम जितना पढ़ोगी ना, उतना उलझती जाओगी. तुम स्ट्रेस मत लो, जो भी होगा ना देखा जाएगा. ये डोनर वोनर के सबको भूल जाओ. कल सुबह सुबह किसी हिल स्टेशन चलेंगे, एंड आई एम श्योर उसके बाद तुमको बहुत अच्छा लगेगा. ओके relax. जिया, तुम्हारी हालत देखकर ही मैंने तुम्हें ये सब इन्फॉर्मेशन दी है. अब प्लीज ऐसा कुछ मत करना कि जिसकी वजह से तुम्हें और टेंशन हो, ठीक है? ज्यादा सोचो मत, अब तुम आराम करो. ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच. जिया, मानिक नहीं आया तुम्हारे साथ? डॉक्टर, एक्चुअली वो इस बारे में नहीं जानता कि मैं आज आपसे मिलने आई हूँ. थैंक यू. ये जिया फोन क्यों नहीं उठा रही है? रागिनी को कॉल कर दो. इसने फोन नहीं उठाया. जिया कहाँ चली गई हो तुम?
यस डॉक्टर। अभी थोड़ी देर पहले जिया आई थी मेरे पास और टेंशन में, उसे डोनर की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो मैंने दे दी। वैसे एवरीथिंग इज फाइन ना? या डॉक्टर, ऑल गुड ऑल गुड। ओके जी, कहिए। मेरा नाम जिया है। आपकी लड़की ने मुझे अपनी आंखें डोनेट की थी। प्रिया, तुम प्रिया हो ना? तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ मुझे। क्या बात, ये ट्यून तुमने बनाई है? एक्चुअली ट्यून ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, खूबसूरत। बहुत टैलेंटेड थी मेरी प्रिया, ये म्यूजिक उसी ने बनाया है मरने से कुछ दिन पहले ही। मुझे भी ये म्यूजिक बहुत पसंद है, वो इसे बेचना चाहती थी। उसने काफी कोशिश भी की, म्यूजिक कंपनी में जा जा के लोगों को सुनाती थी, म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन किया था इस हुनर को बढ़ावा देने के लिए, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आंटी, क्या ये डिस्क मैं आपसे कुछ दिनों के लिए उधार ले सकती हूँ? हाँ बेटा। आंटी, प्रिया एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी, मैं आपसे वादा करती हूँ प्रिया की ये धुन पूरा देश सुनेगा, उसकी ये धुन लोगों के दिलों में सदा जिंदा रहेगी और लोग उसे उसके नाम से जानेंगे, और इस धुन से होने वाली कमाई आपके पास ही आएगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आओ बेटा। आंटी, यहाँ पे कोई जिया नाम की लड़की आई थी क्या? हाँ मनीष बेटा, जिया यहीं पर है। जिया बेटा, जिस दिन प्रिया का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन इसी भले इंसान ने मेरी प्रिया को सड़क से उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया था। इसने उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की, पर मेरी प्रिया ने हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ दिया था। जिया घर चलो, कुछ काम है। माने, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें इस डोनर के बारे में कुछ नहीं पता। ओ, दिमाग से निकल गया होगा। जिया जरूरी कुछ काम है, चलो ना। नहीं मानिक, मुझे सच्चाई जाननी है, मुझे सच बताओ।
तुम्हें। सच ये है कि वो लड़की उस रस्ते में अधमरी पड़ी हुई थी, उसको मैं हॉस्पिटल उठा के लेकर कि वो बच जाएगी, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई, ये सच है। मानिक हमेशा से एक बच्चलन इंसान था, हर लड़की को गंदी निगाहों से देखता था। उसके रागिनी के साथ भी नाजायज संबंध थे। तुम्हारे अंधेपन का बहुत फायदा उठाया उन दोनों ने। Sorry. May I help you? Actually, मुझे इस एकेडमी में एडमिशन चाहिए था। मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। मैं वहाँ नई नई आई थी। मानिक ने मुझे भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। क्या बात, ये ट्यून तुमने बनाई है? Yes, of course, मैंने बनाई है। मार्केट में किसी और के पास तो नहीं है ना? No way, just मैंने अभी बनाई है। क्या बात है यार, एक्चुअली ट्यून ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, खूबसूरत। और मेरी बनाई हुई धुन को उसने अपना बनाकर तुम्हें सुनाया। वाह मानिक, अमेजिंग है ये धुन। तुम इस धुन को किसी म्यूजिक कंपनी में बेच क्यों नहीं देते? नहीं जिया, ये धुन तो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है ना। दिस इज नॉट फॉर सेल, ये हमारे प्यार की निशानी है। मानिक और रागिनी की असलियत रागिनी के बर्थडे की रात पता चली। एक बार जिया से शादी करके उसकी सारी दौलत सारा बिजनेस अपने नाम करवा लूं। मारना पड़े ना तो मार दो, मुझे उससे कोई खास हमदर्दी नहीं है। लेकिन मानिक, तुम्हें तो पता है वो दुनिया भर की बेचारी अंधी जिया किसी नॉर्मल इंसान से शादी नहीं करेगी। मुझे पता है, अभी तो मैंने सब पता कर लिया है कि आंखें ठीक हो सकती हैं। अब वो जल्दी उसका ऑपरेशन करवा के मैं उसकी नई आंखें लगवा दूंगा। लेकिन मानिक, तुम आंखें लाओगे कैसे? आई डोंट नो, तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हें क्या लगता है मैं प्रिया के पीछे ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ?
पे जा रही है। यार पागल हो गई है मेरे। वही तो बनेगी हमारी आई डोनर। लेकिन मानिक, प्रिया तुम्हें अपनी आंखें कैसे देगी? वो सब मैंने प्लान कर लिया है, मुझ पर छोड़ दो। मुझे सब कुछ पता चल गया है मानिक, और तुम्हारी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। मैं सब कुछ आगे जिया को बता रही हूँ। मैं जिया को सब बता के रहूंगी, जिया को सब बता के रहूंगी। तुम जिंदा बचेगी तब ना। मिल गई हमें हमारी आई डोनर। प्रिया, मानिक तुम्हारा गुनहगार है, इसको इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है, तुम जो सजा देना चाहो दे सकती हो। बचा, 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 बचा